बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग जानेंगे, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसका पूरा का पूरा संगठन ही चेंज रहता है, गुणधर्म ही चेंज रहता है, रासायनिक गुणधर्म पूरा का पूरा बदल जाता है। उसका आकार भी बदल सकता है, उसका रंग भी बदल सकता है, उसका क्या बोलते हैं आकार रंग और साइज भी बदल सकते हैं, यानी कि सारी चीजें भी बदल सकती है। इसमें कोई भी चीज सेम नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं कि सेम पाया जाए। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, यू हैव टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास दो पदार्थ, सबसे पहले मान लीजिए एक पदार्थ ए है, एक सब्सटेंस एक है ए है, और दूसरा हमारे पास बी है। ये दोनों ने एक नए एक या एक से अधिक भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक सिंगल ही बनाए। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि एक ही बनाएंगे, दो भी बना सकते हैं। ठीक, तो ए प्लस बी है, और मान लीजिए कि हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया सी और डी। तो इसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पदार्थ आपस में कंबाइंड होते हैं, जो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं मिलते हैं, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप रिएक्शन के बाद इसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। इंग्लिश में गिव्स पढ़ते हैं, गिव्स यानी जो देता है, ये दोनों आपस में मिलके जो देंगे उनको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट, यानी कि जो सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के मजा कहाँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं जलाते कैसे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम को हम जब जलाएंगे तो हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, यहाँ रिएक्शन अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मान लीजिए हमने ले लिया जेडियम ले लिया, और हमने यानी जिंक ले लिया, और इसका क्रिया हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने करा लिया। तो इसमें हमको बनेगा ये जो है जेडियम SO4 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। ठीक, दो चीज बन गया, इसमें सिंगल बना। ठीक है, तो सिंगल भी बन सकता है, दो चीजें इसमें मिल रही, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें डबल प्रोडक्ट बन रहा है, दो चीजें बन रही है। ठीक, तो यानी कि रिएक्शन के पहले जो चीजें आपस में कंबाइंड होती हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। बच्चों, ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग कल बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये तो अभिक्रिया हो गई, कि अभिक्रिया ये है कि जो है हम लोगों ने क्या किया, दो सब्सटेंस लिया, हमारे पास जो है एक नया सब्सटेंस, एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बना, तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। मिलते हैं कल।